गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ फरीन फ्रॉम श्री हिंगोलाम्बिका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा। माई टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क, गाइडेड बाई डॉक्टर अन्नपूर्णा मैम, डिपार्टमेंट ऑफ वालरोगा। कंटेंट्स: इट मेनली इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन एंड टेक होम मैसेज। इंट्रोडक्शन: न च आहार समम किंचित भैषज्यम उपलभ्यते, शक्यते अपि अन्नमात्रेण नरः कर्तु निरामयः, एज पर काश्यप। ही सेज दैट फूड इज लाइफ गिविंग एंड लाइफ सेविंग। इन द यूटेरस द गर्भपोषण इज डन बाय द प्लासेंटा, बट आफ्टर द बेबी इज टू बी फेड एंड देन टेकन केयर एंड दस इन कौमार अभिवृत्य इट गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर द फीडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। Most of the authors mentioned age classification, which is based on the nature of the food taken by the child. As in Kshirapavastha, where for the Poshanartha, the Shishu is dependent on the mother's milk, that is the Stanya. Birth of the child demands for the future nutritional arrangements for the baby. Hence, universe by its nature created the mother's milk as a safe, ready-made, uncontaminated, warm, nutritionally rich food to a newborn baby. There will be the tremendous changes in the mother's body psychologically and behaviorally following a child's birth. This mother's milk is called as the breast milk, which is the best milk for the newborn in any given circumstances. Definition of this tanya as per Ashtanga Hridaya Uttara Tantra: Matureva pibet stanyam tatparam deha vriddaye stanya dhatra vabhed karye tada sampati vatsale. He says that the newborn is always advised and encouraged to take the breast milk only, as it is homogeneous and suitable for the growth and development of the baby. This is accustomed to the baby and fulfills all the nutritional, immunological requirements of the baby and hence is always praiseworthy. Breast milk is natural and increases the maternal bonding. Another shloka by Sushruta Nidhanasthana: Rasa prasado madhuraha pakva ahara nimittajaha krishna dehat stanav praptaha stanya misabhidhiyate. Sushruta says that whatever the food is taken by the mother is converted into the rasa after its digestion. This rasa circulating throughout the body also reaches the stana and is being called as the stanya. So, stanya is derived from the rasa only. Stanya is also referred as the upadhatu of the rasadhatu. Synonyms of the stanya: dugdha, shira, paya and the balajivana. Discussion: stanya guna. According to Charaka Sutrasthana, जीवनं ब्रह्मणं सात्म्यं स्नेहनं मानुषं पयः नावनं रक्तपित्ते च तर्पणं च अक्षिशूलिनां। चरका सेज दैट द ब्रेस्ट मिल्क इज द जीवनीय, दैट इज न्यूट्रिटिव एंड लाइफ प्रमोटिंग, ब्रह्मण बल्क प्रमोटिंग, सात्म्य इजिली कस्टम, स्नेहन प्रोवाइड्स द ऑली सब्सटेंसेस एंड द मैटरनल बॉन्डिंग। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सूत्रस्थान, नार्यास्तु मधुरं स्तन्यं कषाय अनुरसं हिमं नस्य आश्चोदनयोः पथ्यं जीवनं लघु दीपनम्। इट इज मधुररस, दैट इज स्वीटिश, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लैक्टोस इज प्रेजेंट। कषायानुरस एस्ट्रिंजेंट एज अ सेकेंड डोमिनेंट टेस्ट। गुरु एंड स्निग्ध हैवी एंड ऑयली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड द फैट्स। शीत एंड चक्षुष कोल्ड इन नेचर एंड गुड फॉर द आई, रिच इन विटामिन ए, बलवर्धन इट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ। अनदर श्लोक बाय अष्टांग हृदय: मानुषम वात पित्त आश्रक अभिघात अक्षि रोगजित। बेस्ट फॉर प्रोसीजर सर्टेन प्रोसीजर्स लाइक नावन आश्रोतन तर्पण, एज ब्रेस्ट मिल्क इज इम्यूनोलॉजिकली रिच इन सर्टेन एंटीवायरल एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स एंड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हेंस सक्सेसफुली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर्स एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। भाव प्रकाश सेज दैट स्तन्य इज लघु एज इट इज इजिली एज वेल एज कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल एंड डाइजेस्टिबल। क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल ब्रेस्ट मिल्क बाय काश्यप: अव्याहत बल अंग आयुर रोगो वर्धते सुखम शिशु धात्र्य रणपत्ति शुद्ध क्षीरस्य लक्षणम। ही सेज दैट द वन विच इम्पार्ट्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल ब्रेस्ट मिल्क: कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द बॉडी, मेंटेन द डिसीज फ्री कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ, इंक्रीज द हैप्पीनेस एंड मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड। Coming to the summary, it is very clearly mentioned that all the other types of the milk, that of the animals, should be taken only after boiling, but the breast milk should not be taken after boiling, as
The boiling destroys the immunological, antimicrobial factor, vitamin, and the micro elements. Breast milk is available in uncontaminated, safe, and ready-made form. Conclusion: breast milk is an ideal food for the babies. Breast milk is suitable for the term, preterm, and the postterm babies. Take home message: breast milk is God's given gift to the babies from the mother. Thank you.